का व्यवसाय गेट पर फिर एक बार आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो तस्वीर दिख रही है वो बजरंगी संदीप अवस्थी की है, जो आप देख रहे हैं कि 23 जून 2023 करीब 12 बजे से लगातार अनवरत आमरण अनशन चल रहा था। रात भर इसी जगह पड़े रहे। अब वो यहाँ पर तंबू और कनात जो लगा था आमरण अनशन के लिए, जहाँ पर अनशन हो रहा था, धरना प्रदर्शन जारी था, हंगामे काटे जा रहे थे, तो वो तंबू और कनातें यहाँ पर हट चुकी हैं। कैसे हट, क्या समझौता हुआ, पूरी बात करते हैं, क्योंकि इनकी टीम को अंदर बुलाया गया थाने परिसर में, जहाँ पर कौन से अधिकारी थे, पूरी बात करते हैं। और कैसे बताएं कि आपका आमरण अनशन चल रहा था करीब 24 घंटे, जहाँ तक मेरा अनुमान है और लोगों के द्वारा बताया गया कि चला रात दिन, और काफ़ी आप परेशान हुए, बेहोश भी हुए, अस्पताल में भी भर्ती हुए, उसका क्या निष्कर्ष निकला और आमरण अनशन कैसे खत्म हुआ, कितने घंटे बाद खत्म हुआ, अब क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई? तहसील से आए थे अधिकारी, एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे, सीओ साहब आए थे। इन लोगों ने आके और हमारी बात को सुना और विपक्षियों पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया है, और हमको जो है, हम जो हमारा फर्जी मुकदमा हम पे लिखा गया था, हमसे साक्ष्य ले लिए गए हैं, जो हमारे पास वीडियो फुटेज था, और हमारा नाम मुकदमे से निकाल देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, और एक घटना कल घटी थी, घटना के आज ही जांच कराकर और कल तक उस पर FIR लिख लेंगे, जिसमें घायल व्यक्ति है कभी थाने में भर्ती, उसमें अस्पताल में भर्ती है। वो आपका कौन है? वो मेरे परिवार का ही मेरा भाई लगता है। कौन, सगा से चढ़ा? नहीं, परिवार से भाई है। परिवार से। तो आपका आमरण अनशन खत्म हुआ, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। अगर वो जिस अभी भाई पे जो हमला हुआ है उसके उस पर अगर कार्रवाई कर देंगे तो हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आश्वासन दिया गया है हमको, कल तक हम मुकदमा लिख लेंगे। अच्छा, कितने घंटे आपका आमरण अनशन चला? लगभग 28 घंटे। 28 घंटे तो रात दिन यहीं पर पड़े रहे। खाना पानी कुछ नहीं खाया? नहीं, खाना पानी कुछ नहीं किया। अभी एसडीएम साहब ने हमको जूस पिलाया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ उपस्थित हुए, और इनका आमरण अनशन खत्म हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कुछ फुटेज आज की भी हैं कवरेज, जिसमें आप देख रहे हैं कि गेट के परिसर के सामने हंगामा काटते हुए नज़र आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ बजरंगी संदीप, और उसके बाद प्रशासन जागा और इनको बुलाया, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, जो बातचीत के अंश आप इनसे सुनिए, आइए मिलाते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम इसमें आए, हम आपको बता दें हम पे मुकदमा क्यों लिखा गया है। अभी आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले पेपरों में एक सूचना निकली थी, लकड़ी की ट्रालियों की अवैध वसूली होती है, जैसे पुलिस का साथ रहता है और एक संघ के कार्यकर्ता यहाँ के जो चलाते हैं लकड़ी।